आगे बढ़ेंगे। कई राज्य सरकारों ने पाबंदियां लगानी शुरू कर दी। आप जानते हैं दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। यूपी, पंजाब, महाराष्ट्र, एमपी और कर्नाटक सहित कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। ये सब इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि कोरोना को बढ़ने से रोका जा सके, क्योंकि अगर संक्रमण की रफ्तार बढ़ती रही तो फिर देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने की नौबत आ जाएगी। और इससे यानी लॉकडाउन से बचना, कोरोना से बचना बेहद जरूरी है। कोरोना पर अब जागने का वक्त आ गया है, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। कोरोना को लेकर लोगों में ऐसी ही लापरवाही रही तो देश को एक बार फिर से लॉकडाउन की तरफ बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। देश में इस बार लॉकडाउन हुआ तो फिर इसका असर आने वाले कई साल तक रहेगा, ये यकीन मानिए। इसीलिए एबीपी न्यूज आपसे अपील करता है, कोरोना पर जागिए श्रीमान, वरना लॉकडाउन से निपटना नहीं होगा आसान। ये अपील इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि देश में कोरोना जिस रफ्तार से बढ़ रहा है उससे तो यही संकेत मिल रहे हैं। देश में कोरोना के एक्टिव मामले करीब 1,72,000 हैं। 30 दिसंबर को 16,764 केस आए, 24 घंटे में 3,610 केस बढ़ गए। 31 दिसंबर को 22,775 केसेस आए, 24 घंटे में 6,011 केसेस बढ़ गए। 1 जनवरी को 27,553 केसेस आए, 24 घंटे में 4,778 केसेस बढ़ गए। 2 जनवरी को 33,750 केसेस आए, 24 घंटे में 6,197 केसेस बढ़े। और 3 जनवरी को 37,379 केस आए, 24 घंटे में 3,629 केसेस बढ़ गए। ये आंकड़े डराने वाले हैं, लेकिन इसका असर लोगों पर होता हुआ नहीं दिख रहा। सबसे ताजा मामला मुंबई में हुई क्रूज पार्टी वाला विवाद है। आर्यन खान ड्रग केस में सुर्खियों में रहने वाला कार्डेलिया क्रूज एक बार फिर से चर्चा में है, क्योंकि इसमें कोरोना विस्फोट हो गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्रीन गेट, ये क्रूज टर्मिनल है। और आपको बता दे कि कार्डेलिया क्रूज जो मुंबई से गोवा के लिए रवाना हुई थी साल के पहले दिन, उन सभी यात्रियों को शिप जो है वो वापस गोवा से मुंबई की तरफ लेके आ रही है। और देखिए कि एहतियात के तौर पे यहाँ पे बीएमसी की टीम पहुंची है, पीपीई किट जो है वो यहाँ पे लाया गया है, मेडिकल ऑफिसर जो है वो आ रहे हैं, एम्बुलेंस की व्यवस्था की जा रही है। जो भाईखला में कोविड सेंटर है उन्हें सभी यात्रियों को उस तरफ जो है क्वारंटीन किया जाएगा। कार्डेलिया क्रूज पर 66 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कोरोना पॉजिटिव होने वालों में 60 यात्री और 6 लोग क्रू मेंबर हैं। क्रूज पर सवार बाकी लोगों की आरटीपीसीआर की रिपोर्ट नेगेटिव आई तो उन्हें 7 दिनों के होम आइसोलेशन में रहना जरूर होगा। इतने लोगों में कोरोना वायरस का पहुंचना ये बता रहा है कि इसे लेकर किस तरह की लापरवाही बरती जा रही है। टीका लगवाने के बाद लोगों को याद ही नहीं रहता कि कोरोना खतरनाक है। जरा बिहार के हाजीपुर की इन तस्वीरों को देखिए। जेल में कैदियों से मिलने पर कोरोना की बंदिशें लागू हुई तो लोग भड़क गए, जेल के सामने जबरदस्त हंगामा करने लगे। लोगों को हटाने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ गया। अब आप ही सोचिए, क्या इस तरह हम कोरोना को बढ़ने से रोक पाएंगे? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया तो हालत बद से बदतर होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगी। लापरवाही देश भर में बढ़ती जा रही है, तभी तो उन जगहों पर कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं जहां नहीं बढ़ने चाहिए। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के 25 रेजिडेंट डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव आए हैं। पंजाब के पटियाला के मेडिकल कॉलेज में 60 छात्र कोरोना संक्रमण के शिकार हुए हैं। अगर कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लगा तो एक बार फिर से चीन वाले हालात हो जाएंगे। चीन के शियान शहर में पिछले 15 दिनों से लॉकडाउन लगा दिया गया है। शहर के करीब 13 लाख लोग एक तरह से शहर में कैदी बन गए हैं। कारोबार ठप है, दफ्तर बंद है, शहर से ना किसी को निकलने दिया जा रहा है, ना किसी को शहर के अंदर घुसने दिया जा रहा है। जाहिर है आर्थिक तौर पर शियान को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, और इसीलिए जरूरी है कि भारत में लॉकडाउन की नौबत ना आए, वरना बहुत भारी नुकसान होना तय है। लॉकडाउन ना हो इसकी जिम्मेदारी हम सब पर है।
इसीलिए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें और अपने साथ साथ देश को भी कोरोना के नुकसान से बचा लें। और अगर फिर से देश में लॉकडाउन लगा तो इसके परिणाम बहुत नुकसानदायक हो सकते हैं। पिछले कुछ हफ्तों से कई राज्यों में जो पाबंदियां लगाई गई है उनका असर तो दिखना शुरू हो चुका है। दिसंबर में बेरोजगारी जो दर है वो बढ़ गई है। नाइट कर्फ्यू की वजह से लोगों की कमाई कम होने लगी है। और जरा सोचिए, अगर पूरी तरह से लॉकडाउन लग गया तो क्या होगा? क्या देश एक और लॉकडाउन बर्दाश्त कर पाएगा? क्या हम इसके लिए तैयार हैं? क्या लोग एक बार फिर से उस दर्द का सामना कर पाएंगे? क्योंकि एक और लॉकडाउन लोगों के लिए असहनीय हो जाएगा, यकीन मानिए। देश में लॉकडाउन का मतलब अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान, कारोबार को भारी नुकसान, महंगाई और बेरोजगारी का बढ़ना। और इसीलिए लॉकडाउन लगाना देश के हित में कतई नहीं है। अभी तो राज्यों ने नाइट कर्फ्यू लगाना शुरू किया है और इससे नुकसान की शुरुआत हो भी चुकी है। दिल्ली में ऑटो चलाकर अपना घर परिवार चलाने वाले इसके पहले शिकार बने हैं। कि रात को भी सवारी नहीं मिलेगी, गाड़ी नहीं चला पाते, हमारे सीएनजी की रेट भी बढ़ गई है। अब पहले थी 38 रुपए, 37 रुपए के जी, अब 53 रुपए के जी हो गई है। अब तो हम चलाते हैं 2 से 4 घंटा हमें टाइम मिलता चलाने का, उसमें तो मालिक का किराया निकालते हैं, हम अपना खर्चा तो नहीं निकाल पाते। इसके बाद लॉकडाउन हो जाता है, लॉकडाउन में हम क्या करेंगे? शाम को 5 बजे हम निकलते हैं, ठीक है, 4 घंटे में सवारी तो मिल नहीं पाएंगे। 600 रुपए के हम लोग काम करेंगे तो उसमें 1 रुपए नहीं बचेंगे, तो 4 घंटे में तो कितना कमा पाएंगे हम? जाहिर है ये तो शुरुआत है, लॉकडाउन लगा तो समझ लीजिए हर चीज ठप हो जाएगी। बेरोजगारी में बहुत बड़ा इजाफा होगा। वैसे बेरोजगारी का जो ताजा आंकड़ा आया है वो बढ़ा हुआ ही है। पिछले साल सितंबर में बेरोजगारी दर 6.86% थी, अक्टूबर में बढ़कर ये 7.74% हो गई थी, नवंबर में इसमें कमी आई और ये 7% पर आ गई, लेकिन अब दिसंबर में बेरोजगारी दर फिर से बढ़ गई है और ये पहुंच गई है 7.91% पर। लॉकडाउन से हालात कितने खराब हो सकते हैं इसका आम लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं है। दूसरी लहर की तबाही के बाद जहां देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है उसे लॉकडाउन से बहुत बड़ा झटका लग सकता है। एक अनुमान के मुताबिक साल 2022 में लॉकडाउन से करीब 1.5 लाख करोड़ का नुकसान हो सकता है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि साल 2020 के लॉकडाउन के वक्त मार्च से लेकर मई के बीच जीडीपी विकास दर में 23.9% की कमी हुई, बेरोजगारी में 23.52% का इजाफा हुआ। इसका नतीजा ये हुआ कि करीब 12 करोड़ 20 लाख लोगों की नौकरी चली गई। तो अगर लोगों को और देश को इतने बड़े नुकसान से बचाना है तो कोरोना को बढ़ने से रोकना होगा। ओमिक्रॉन वेरिएंट की बढ़ती रफ्तार को तभी रोका जा सकता है जब हम सब मिलकर कोशिश करें, कोरोना नियमों का पालन करें, नहीं तो इस बार कोरोना से नुकसान बहुत बड़ा और बेहद गहरा होगा। और इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। ABP News, आपको रखे आगे।